स्वागत है देखते आज की खास खबर। गौतम गंभीर और उमर अब्दुल्ला के बीच ट्विटर पर छिड़ी जंग। गौतम गंभीर के हाल ही में भाजपा में शामिल होने के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री नेता उमर अब्दुल्ला दोनों के बीच ट्विटर पर जंग छिड़ गई है। उमर ने गौतम गंभीर पर पलटवार करते हुए कहा कि क्रिकेटर को उसी चीज के बारे में बात करनी चाहिए जिसके बारे में जानकारी रखते हैं। उमर ने पूर्व क्रिकेटर से कहा कि वह राजनीति के बारे में अभी नहीं बल्कि इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में ट्वीट करें। दरअसल उमर ने सोमवार को कश्मीर कैसी चुनाव रैली को संबोधित करते हुए कहा कि वह जम्मू एवं कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पद की बहाली के लिए काम करेंगे। इसके बाद गंभीर ने ट्वीट किया था कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री चाहते हैं और मैं समुंदर पर चलना चाहता हूँ। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के लिए अलग प्रधानमंत्री चाहते हैं। मैं सुअर को उड़ते देखना चाहता हूँ। आगे उन्होंने लिखा था कि उमर को नए पीएम की नहीं बल्कि कॉफी होने की जरूरत है। यदि वह फिर भी नहीं समझते है तो उन्हें एक हरे पाकिस्तानी पासपोर्ट की जरूरत है। गंभीर के बाद उसने कहा कि गौतम मैंने ज़रा क्रिकेट नहीं खेला क्योंकि मैं जानता था कि मुझे ये खेल अच्छे से नहीं आता। आगे उन्होंने कहा कि अब जम्मू कश्मीर उसके इतिहास अथवा इस इतिहास को बनाने में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की भूमि के बारे में बहुत नहीं जानते हैं। आप जिसके बारे में नहीं जानते हैं यह जानकारी नहीं रखते हैं उसी के बारे में न बात करें। आप IPL के बारे में ट्वीट करिए। तो MNS न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।